હાય ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. કેમ છો બધા? હાય, આઈ એમ મિતુ. આપ દેખ રહે હૈ ગ્લેમ સેન્ટર. જૈસે કે આપ સબકો પતા હૈ કે મેં મેકઅપ યા ફિર મેકઅપ કે રિલેટેડ મેં કોઈ ભી વિડિયોઝ લેકે આતી હું, તો આજ મેં આપ સબકે લિયે કુછ અલગ લેકે આઈ હું. આપકે લિયે કુકિંગ સેશન લેકે આઈ હું, કુકિંગ કા વિડિયો લેકે આઈ હું. આઈ હોપ આપ સબકો પસંદ આયે. આપ મુજે કમેન્ટ સેક્શન મેં કમેન્ટ કરકે જરૂર બતાઈએગા કે આપકો યે વિડિયો કૈસા લગા. तो आज मैं बनाने वाली हूँ सबवे सैंडविच, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ. तो उसका मैंने नामकरण किया है मिंट मेयो सैंडविच. तो आइए चलिए देखते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिया है गार्लिक बन, आप सिंपल वाला भी कोई भी ले सकते हैं. मिंट चटनी ली है, कैबेज लिया है, ऑनियन लिया है, कैप्सिकम लिया है, अमूल चीज़ की स्लाइस ली है 5 पैक वाली. देन हमें देन अमूल चीज़ क्यूब ली है मैंने 4 पीसेस, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं एज़ पर योर डिमांड. और यहाँ पे मैंने अमूल बटर लिया है, 2 छोटे छोटे कंटेनर जो आते हैं वो लिए हैं. देन ये मैंने मेयोनीज लिया है, और मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस लिया है. आप कुछ भी मतलब स्पाइस के हिसाब से ले सकते हैं, केचप अकेला मत लीजिए, कोई भी रेड चिली या कोई भी डाल सकते हैं. ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें थोड़ा सा मेयोनीज डाला है. हम पहले एक ही बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा लिया है, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना हो तो कर सकते हैं. ठीक है, अब मेयोनीज के अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली सॉस. कोई भी स्पाइसेस का सॉस आप अंदर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी सॉसेस अंदर ऐड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे मिंट मेयो स्प्रेड बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे टेस्ट के हिसाब से मैं ये स्प्रेड पूरा रेडी कर रही हूँ. और यूजुअली सबवे सैंडविच में क्या होता है कि सारे सॉसेस और मेयोनीज अलग से लगाते हैं, देन उसके ऊपर सारे वेजिटेबल्स ऐड करते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ कि मैं सारे वेजिटेबल्स और सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी सारे, वो मैं सारे मिक्स कर रही हूँ. हाँ, लगाने का तरीका अलग है, लेकिन बनेगा सेम ही, लेकिन टेस्ट बहुत लजीज आएगा. मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं, कैबेज, कैप्सिकम और ऑनियन सारे मिक्स कर दूँगी. अब स्पैचुला से सारे मिक्स कर दूँगी अच्छे से, ताकि वो अलग से ना लगे. और अगर हमें मेयोनीज़ या फिर रेड चिली सॉस, इसमें वेजिटेबल्स के हिसाब से अगर आपको कम लगता है मेयोनीज़ या रेड चिली या थोड़ी मिंट चटनी भी आप ऐड करना चाहें और, तो कर सकते हैं. मैंने अपने हिसाब से लिया है, शायद मुझे भी ये कम लग सकता है. इसे अच्छे से मिक्स करना है मिक्सिंग बाउल में और हिलाते जाना है जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए. मुझे भी यहाँ पे मेयोनीज़ की कमी लग रही है, तो मैंने और 1-2 स्पून ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए. ठीक है, और इसे भी अच्छे से इसमें सारे वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स कर लूँगी, तो स्प्रेड अच्छे से दिखे और अच्छे से लगे बन के ऊपर. और हमें ये स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर देना है. सो अब तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से कर ले, रेड बटन को ग्रे कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, और वीडियो में एंड तक बने रहें, स्टे ट्यून्ड. सो अब हम बन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. अच्छे से शार्प नाइफ लेना है, मेक श्योर आप शार्प नाइफ ही यूज़ करें इसमें, क्योंकि ब्रेड क्रम्बल्ड हो सकता है. और बन को मैं देखिए चारों तरफ से कट नहीं कर रही हूँ, मतलब पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ उसको एक तरफ से ही काटना है और पूरा खोलना नहीं है, वरना वो टूट सकता है. तो इस तरह से मैं सिर्फ इसको खोल के इसके ऊपर सारा स्प्रेड बटर जो भी है मैं इसके ऊपर लगा लूँगी. मैं दूसरा बन भी इसी तरह पेशेंसली कट कर लूँगी अच्छी तरह से, और
पूरा नहीं खोलूँगी वरना वो टूट जाएगा। मैं आपको आज एक ही बन पे पूरा बना के दिखाऊँगी कि कैसे करना है। और हम यहाँ पे ओवन ओटीजी कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, गैस पे ही करेंगे। या मतलब किसी के घर में ओवन ना हो या ओटीजी ना हो तो भी चलेगा। मतलब हम सबवे सैंडविच एकदम घर के हिसाब से, घर में जो मोस्टली अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बटर स्प्रेड कर लिया है, जिसको जैसा पसंद हो वो खा सकता है, वो हिसाब से ले सकता है। बटर ज़्यादा लगाने से वो स्मूथनेस आती है अंदर, कि खाने का अच्छा टेस्ट भी आए। और मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर ही लिया है, वाइट बटर नहीं लिया है। और मैंने यहाँ पे एक स्लाइस ली है अमूल की, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ऐसे ट्रायंगल कट किया है, क्योंकि इसको अच्छी तरह से बन पे रख सकें। एक ही स्लाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। अब इसके एक ट्रायंगल वाले पार्ट को हम बन के अंदर रख लेंगे कुछ इस तरह से, एंड सेकेंड वन भी ऐसे ही एक ही बन के ऊपर दोनों रख देने हैं कुछ इस तरह जैसे मैंने रखे हैं। और अब इसके ऊपर हम स्प्रेड पूरा अच्छे से रख लेंगे, जैसे मेयोनीज का और सबका टेस्ट भी अच्छा आए और अच्छे से फील करना है। अब इसको अच्छे से फील करने के बाद हम जो हमारा चीज़ क्यूब था वो लेंगे, इसके ऊपर पूरा फील कर देंगे। जिसको जिस फैमिली मेंबर को जिस तरह से चीज़ जितनी पसंद है उस तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं या इसमें से आधी भी कर सकते हैं। इसको बंद करके अब हम इसका ग्रिल का प्रोसेस करेंगे, वो भी गैस के ऊपर यानी कि तवे पे। सो बेसिकली इसके ऊपर अभी बटर लगाना है अच्छे से, और तवा ऑलरेडी मैंने गरम करने के लिए रख लिया है, प्री हीट करने के लिए, थोड़ा सा गरम हो जाए तब तक। एंड देन उसके ऊपर बन रख लेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए उसको बेसिकली तवे के ऊपर सेकना है हमें, लेकिन एकदम हल्के प्रेस के साथ। और उल्टी साइड भी ऐसे ही हम गरम कर लेंगे। और ये हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये मैंने प्लेटिंग के लिए निकाल लिया है और थोड़ा सा केचप के साथ। गाइज ये बहुत ही टेस्टी है। आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की कि नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।